नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक इम्पोर्टेंट वीडियो में। जैसा कि आपने इस वीडियो की थंबनेल में देखा भी, एक अकाउंटेंट को एक बिजनेस की कौन कौन सी ऐसी रिटर्न है जो उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रिपेयर करनी पड़ती है और वो सीए लोगों को भेजनी पड़ती है ऑनलाइन अपलोड करने के लिए। रिटर्न आपकी चाहे वो मंथली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो ईयरली हो। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है अक्सर फ्रेशर अकाउंटेंट्स लोगों से इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं, ताकि इंटरव्यू लेने वाला बंदा ये पता कर सके भी इसको टैक्सेशन के बारे में कितना नॉलेज है। अगर आप इन सब बातों को ऑलरेडी पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक फ्रेशर हो, बिल्कुल नए अकाउंटेंट हो, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लेना। इसके अंदर हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे भी, हमें कौन कौन सी ऐसी रिटर्न है जो हमारी बिजनेस की हमें मंथली तैयार करनी पड़ती है, किस कंडीशन में हमें क्वार्टरली तैयार करनी पड़ती है, एनुअल रिटर्न के अंदर हमें कौन कौन सी रिटर्न है जो प्रीपेयर करनी पड़ती है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं पॉइंट पर। जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल पर देखा भी, अकाउंटेंट को कौन कौन सी रिटर्न तैयार करके सीए को भेजनी होती है, चाहे बात वो सीए की आए हो, चाहे वो टैक्स प्रोफेशनल एडवोकेट की हो, चाहे आप सेल्फ खुद रिटर्न फाइल करते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले रिटर्न की अगर अपने बात करें तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट आएगा जीएसटी का भी है, इसमें टीडीएस का भी है और टीसीएस का भी है। तो सबसे पहले अपने जीएसटी पे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो जीएसटी की अगर बात करें अपने, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेगुलर स्कीम के अंदर जीएसटी की रिटर्न जो मंथली फाइल होती है, एक क्वार्टरली भी फाइल होती है। अब सबसे पहले रेगुलर स्कीम के अंदर जीएसटीआर 1 ये प्रिपेयर करनी पड़ती है, और ये हमारी नेक्स्ट मंथ के अंदर, जैसा कि अभी हमारा मंथ चल रहा है मई 2024, अब इसके अंदर क्या होगा, जो हमारी अप्रैल मंथ की जो रिटर्न है, अप्रैल मंथ का जो हमारा रिकॉर्ड है, वो हमें अभी 11 मई तक हमें जीएसटीआर 1 ऑनलाइन अपलोड करनी होती है। तो इससे पहले अकाउंटेंट को 11 मई से पहले पहले जीएसटीआर 1 प्रीपेयर करके सीए को देनी पड़ेगी। अब इसके अंदर जीएसटीआर 1 के अंदर क्या कुछ रिकॉर्ड रहते हैं, अब इसके अंदर ये हमारा सारा कुछ है जो सेल से रिकॉर्डेड संबंधित रहता है। सेल होगी या फिर आपकी कंपनी के द्वारा कोई क्रेडिट नोट या कोई डेबिट नोट अगर कोई इशू किए हुए, तो वो हमें जीएसटीआर 1 के अंदर शो करने पड़ते हैं। इसके अंदर आपने B2B की सेल कितनी करी है, B2C की आपने सेल कितनी करी है, आपने क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड लोगों को कितने इशू किए हुए हैं, आपने HSN वाइज सेल कितनी करी है, डॉक्यूमेंट आपने कितने इशू किए हुए हैं, एक्सपोर्ट सेल आपने कितनी करी है, तो ये सारी रिकॉर्ड्स हमें जीएसटीआर 1 के अंदर देनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद बात आएगी जीएसटीआर 3B की। उसके बाद में 11 तारीख 1 तारीख से लेके 11 तारीख तक हमारा प्रोसेस चलता है जीएसटीआर 1 का, और उसके बाद में 20 तारीख तक चलेगा, 12 तारीख से लेके और 20 तारीख तक चलता है हमारा जीएसटीआर 3B का प्रोसेस। ये हम बात कर रहे हैं मंथली की, अगर आप रिटर्न मंथली फाइल करते हो तो जीएसटीआर 3B की अगर अपने बात करते हैं, तो जीएसटीआर 3B के अंदर हमारा सेल से रिकॉर्डेड भी टोटल हमारी सेल कितनी है, इसके अंदर हमारी टैक्सेबल सेल और हमारी टैक्स फ्री की सेल कितनी गई हुई है, और इसके साथ साथ हमने परचेज के ऊपर कितना ITC है जो क्लेम किया हुआ है और कितना टैक्स हमने रिवर्स किया हुआ है। तो इस टाइप की जो रिपोर्टिंग है वो हमें मंथली जीएसटीआर 3B के अंदर फाइल करनी पड़ती है, और ये रिटर्न टाइम फाइल करने का हो गया आपकी 12 तारीख से लेके 20 तारीख तक। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो, रेगुलर स्कीम में हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटीआर 1 है जो ये क्वार्टरली आपको फाइल करनी पड़ती है। इसको हम थोड़ा सा डीपली के साथ समझते हैं। अब इसके अंदर आपके पास अलग अलग ऑप्शन रहते हैं भी, आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो लेकिन हो आप रेगुलर स्कीम के अंदर, तो इसके अंदर आपकी रिटर्न वो तो जाएगी क्वार्टरली, लेकिन यानी कि क्वार्टरली का मतलब हो गया 3-3 महीनों से, अप्रैल से लेके और जून तक ये रिटर्न आपकी जाएगी, कब, जुलाई में। ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी रजिस्टर्ड व्यक्तियों को अगर आपने सेल कर रखी है, ऐसे व्यक्ति जिनके पास GST नंबर है, उन लोगों को आपने रजिस्टर्ड व्यक्तियों को सेल कर रखी है, तो आपको IFF है जो हर मंथ देना पड़ेगा। ठीक है ना, इससे क्या होगा भी, जो आपका कस्टमर होगा, जो आपका बायर होगा, उसको ITC
मिल जाएगा, वो उसके पोर्टल पे 2B के अंदर शो करेगा पर्टिकुलर उस मंथ के अंदर, ठीक है ना। और GSTR 3B है वो आपकी क्वार्टरली जाएगी अप्रैल टू जून, ठीक है। तो एक रिटर्न आपकी होगी GST से संबंधित, GSTR 1 और GSTR 3B। तो ये थी हमारी मंथली और क्वार्टरली। और इसके साथ साथ आपको GSTR 2 की अगर अपने बात करें तो GSTR 2 आपको यहाँ पे किसी भी टाइप की प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो होती है। ये ऑटो आपके पोर्टल के ऊपर आपकी जितनी भी परचेज है वो सारी की सारी शो करती है। यहाँ पर तो केवल आपको आपका जो बुक्स का ITC है, यानी कि जितने आपने परचेज की बिल पोस्टिंग कर रखी है अपनी टेली सॉफ्टवेयर में, बिजी सॉफ्टवेयर में, तो उसको आपको एक बार ये रिकंसलेशन जरूर करना होता है भी आपने जितनी एंट्री कर रखी है उतने के उतने सारे इनवॉइस आपके 2A या 2B के अंदर शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो आपको उसका ITC है जो इनवॉइस का नहीं मिलेगा, वो आपको एक बार रिवर्स करना पड़ेगा। और जब वो ऑनलाइन पोर्टल पे दिखेगा तब आप उसको क्लेम ITC उसका कर सकते हो। आई होप कि आप GST से रिलेटेड ये बातें समझ गए होंगे। और उसके बाद अपने बात करते हैं रेगुलर स्कीम इसकी, जो GST की ईयरली रिटर्न के बारे में। तो ईयरली रिटर्न के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एनुअल रिटर्न क्या आएगी, एक तो GSTR 9, ठीक है, और एक GSTR 9C। ये अगर अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर वो 5 करोड़ से ज़्यादा की है तो आपको GSTR 9 है जो फाइल करना जरूरी होता है, और ये आपकी GSTR एनुअल रिपोर्ट आपको फाइल करनी होती है। 9 और 9C ये हमारी रेगुलर स्कीम के अंदर आपको साल के अंदर एक बार तैयार करनी पड़ती है पूरे फाइनेंशियल ईयर की। तो यानी कि ये होगी आपकी ईयरली रिटर्न। और यहाँ पर अगर अपने मंथली की बात करें तो मंथली की रिपोर्ट के अंदर आपकी GSTR 3B, GSTR 1 और GSTR 3B, ये दो डिटेल्स आपको GST रिपोर्ट के अंदर तैयार करनी पड़ती है रेगुलर स्कीम के तहत। अब अपने बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम के अंदर GST के अंदर रजिस्ट्रेशन आपने करवाया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, CMP 08 रिटर्न आपको क्वार्टरली फाइल करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर आपका कोई IFF वाला कोई चक्कर नहीं है, ये आपकी क्या रहेगी नेक्स्ट क्वार्टर, जो आपका क्वार्टर एंड होएगा उस नेक्स्ट मंथ के अंदर आपको 18 तारीख तक आपकी CMP 08 है वो फाइल करनी पड़ेगी। और इसके अंदर भी एनुअल रिटर्न जाएगी ईयर एंड के बाद में। यहाँ पर आपके केवल GSTR 3B, GSTR 1 का कोई चक्कर नहीं है, B2B, B2C का भी कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर आपको CMP क्वार्टरली और GSTR 4 आपका एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना पड़ता है। ये तो थी हमारी GST से रिलेटेड कुछ बातें। उसके बाद बात आएगी हमारी TDS की रिटर्न या फिर TCS रिटर्न की अगर अपने बात करें तो। अब TDS या TCS रिटर्न के अंदर ये हमारे फॉर्म होते हैं, जैसा कि फॉर्म हमारा 24Q आ गया। अब ये फॉर्म 24Q किस कंडीशन के अंदर आता है भी, अगर आपने कोई टैक्स डिडक्ट किया है किसी व्यक्ति का, किस पर, सैलरी पे, यानी कि जो नेचर्स है वो सैलरी है आपकी, और सैलरी के ऊपर अगर आपने TDS डिडक्ट किया है तो आपका ऑनलाइन पोर्टल पे 24Q फॉर्म है जो अपलोड होते हैं। और इसके साथ साथ एक फॉर्म आता है 26Q। अब सैलरी के अलावा अगर आपने कोई टैक्स है जो डिडक्ट किया है किसी व्यक्ति का, जैसा कि आपने किसी को इंटरेस्ट पे किया हो उस पर TDS डिडक्ट किया हो, कोई कमीशन पे किया हो, कोई रेंट पे आपने किया हो, या इसके साथ साथ अगर आपने कोई परचेज कर रखी है परचेज के ऊपर 9(4)Q के अगर एक्ट के अंदर, मतलब सेक्शन के अंदर अगर आपने कोई TDS डिडक्ट किया हुआ है, तो आपका फॉर्म 26Q तैयार होता है। लेकिन इसके अंदर आपको फॉर्म न तो कोई 24Q तैयार करना, न 26Q तैयार करना। अब इसके अंदर आपको क्या तैयार करना होता है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आपने किसी सैलरी के ऊपर TDS है जो डिडक्ट किया है, तो वहां आपको उन व्यक्तियों के, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनका पैन नंबर, ठीक है, फिर उसका नेम, और उसके बाद में टोटल अमाउंट्स आपने उनको कितनी पे करी है, और उसके बाद में उसके ऊपर आपने TDS है जो कितना डिडक्ट किया है। ये सिंपल कॉलम के अंदर आपको एक बार तैयार करके देना होता है। जब ये सारा डाटा ऑनलाइन अपलोड होता है तब ये कहानी जो हमारे फाइनल फॉर्म है जो इस फॉर्म के अंदर हमारी TDS की जो रिटर्न है वो पोर्टल पे सबमिट होती है। लेकिन आपको ये तैयार करनी है, आपको क्या वो रिकॉर्ड्स देने हैं जिन जिन व्यक्तियों के आपने TDS है जो डिडक्ट किया है, कितनी बेसिक वैल्यू क्या है, ठीक है, TDS क्या है, और आपने TDS किस रेट से काटा हुआ है, TDS जो डिडक्ट आपने किया है वो किस रेट से किया है, वो पर्टिकुलर अगर आपका पेन नंबर है तो पर्टिकुलर नॉर्मल एज पर गवर्नमेंट सेक्शन के हिसाब से कटेगा, अदरवाइज आपका डबल हो जाएगा। तो ये थी हमारी TDS की रिटर्न के बारे में। और उसके बाद में
अगर अपने बात करते हैं ये 26Q, ये अदर सैलरी का अपने डिस्कस कर लिया, और यहाँ आ जाएगा TCS का। अब TCS के अंदर भी हमारा एज ए TDS का ही एक तरीके से ये पार्ट होता है, उसके अंदर हमारा 27E2 फॉर्म होता है विद द क्वार्टरली स्टेटमेंट यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्स एट शोर्ट TCS। अगर आपने कोई TCS कलेक्ट किया हुआ है, अब अपने बात करते हैं रिटर्न की TDS की। अब ये जो TDS की जो रिटर्न है, ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल होती है, ये मंथली फाइल है जो नहीं होती। अब इसके अंदर भी आपका कोई एनुअल रिटर्न का कोई चक्कर नहीं रहता GST की तरीके से। अब यहाँ आपको केवल, जैसा कि फर्स्ट क्वार्टर का मतलब हो गया भी अप्रैल से जून तक, ठीक है, सेकेंड क्वार्टर का मतलब हो गया जुलाई टू सेप्टेम्बर, थर्ड क्वार्टर का मतलब बन गया आपका अक्टूबर टू दिसंबर, और फोर्थ क्वार्टर का मतलब बन गया जनवरी टू मार्च। यानी कि जैसा कि अब आपकी अप्रैल टू जून है, अब ये अप्रैल टू जून की जो रिटर्न है ये आपकी जाएगी जुलाई में, जुलाई टू सितंबर की वो जाएगी अक्टूबर में, और जनवरी टू मार्च की फोर्थ क्वार्टर की रिटर्न है वो फिर वापस नेक्स्ट मंथ अप्रैल में जाएगी। यानी कि हर 3 महीने के 4th महीने के अंदर आपकी रिटर्न जो जाएगी। लेकिन इसके अंदर आपने जितना TDS डिडक्ट किया है, चाहे वो सैलरी पे है वो अदर सैलरी पे है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ तक के 7 तारीख तक आपको डिपॉजिट करवाना जरूरी होता है, अदरवाइज आपके ऊपर इंटरेस्ट है जो चार्ज होता है TDS की अमाउंट के ऊपर। इसी तरीके से जो हमारा TCS की रिटर्न हम फाइल करते हैं, हमने कोई TCS कलेक्ट किया है किसी भी सोर्स पे, चाहे हमने वो सेल पे किया हो या कोई ऐसे पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई गुड्स हमने सेल करे हो जो TCS के दायरे में आते हो, वो हमने सेल किया हो, तब हमने इनवॉइस के ऊपर TCS कलेक्ट किया हो, तो हमें TCS की डिटेल भी सेम इसी तरीके से देनी पड़ती है। तो जिसका हमने TCS कलेक्ट किया है, उस व्यक्ति का पैन नंबर, उस कंपनी का पैन नंबर, उस कंपनी का, उस व्यक्ति का नाम, बेसिक वैल्यू कितनी है, TCS किस रेट से काटा हुआ है, और टोटल TCS की वैल्यू कितनी है, आपको ये सिंपल 5-7-4-5 कॉलम के अंदर अपना डाटा जो फिलअप करके देना होता है। जब ये ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड होगा CA के लोगों के द्वारा या एडवोकेट लोगों के द्वारा, तब इसका जो फाइनल फॉर्म सबमिट होता है वो 27EQ तैयार होता है। लेकिन GST रिटर्न के अंदर हमारा क्या होता है, ये GST के अंदर रिटर्न हमारी प्रिपेयर ऑलरेडी होती है, जिसका नाम ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था, जैसे कि GSTR1 है, GSTR3 भी है, ठीक है, CMP08 है, GSTR4 है, GSTR9 है, 9C है, तो ये GSTR4 में इनके अंदर अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स है जो हमें तैयार करके देनी पड़ती है। आई होप कि आपकी इस वीडियो से आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे भी हमें TDS GST की रिटर्न है वो हमें मंथली रिटर्न भी फाइल करनी पड़ सकती है और क्वार्टरली रिटर्न भी हमें फाइल करनी पड़ सकती है। उसके साथ साथ TDS की जो रिटर्न है वो पर्टिकुलर क्वार्टर रिटर्न फाइल होती है, और GST के अंदर हमारी एनुअल रिटर्न भी फाइल होती है 9C GSTR4 कंपोजिशन स्कीम के अंदर। इसके अंदर केवल क्वार्टरली रिटर्न है, TCS के अंदर भी केवल आपकी क्वार्टरली रिटर्न है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस टाइप की नई नई वीडियो और भी देखने को मिलेगी इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।